एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बेटा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. आई एम राइटिंग यू, लेट मी नो इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू. आर नर्वस सिस्टम इज is it visible? Let me know, sir. Bhupinder sir, is it visible? Am I audible? No, ma'am. Nothing is visible, but I am writing. No, ma'am. I'm visible. Visible. Yes, ma'am. Visible. Maybe. Ma'am, yes, now ma'am. Visible. That may be network issues from your side also. So our nervous system is actually divided into two parts: central nervous system, which consists of brain and spinal cord. और दूसरा है हमारा पेरिफेरल. नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जा रही हैं, और दूसरी हैं स्पाइनल नर्व्स. The nerves which are arising from spinal cord. ठीक है, तो these are basically nervous system is of two classified or divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. ठीक है, central nervous system मतलब major जो part है हमारे nervous system का, वो ये दो parts हैं, brain and spinal cord. ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड हम कर चुके हैं थोड़ा सा कि रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करता है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर और किस तरह से, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है, दैट इज उसकी एनाटॉमी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट यू नीड टू स्टडी. दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे थ्रू आउट बॉडी ऑर्गन से जो कनेक्ट कर रहा है वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें आती है नर्व्स. तो जो नर्व्स ब्रेन को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट कर रही हैं, दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स. एंड द नर्व्स व्हिच कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज नोन एज आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स. तो दीज आर नर्व्स एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कलेक्टिवली फॉर्म आर नर्वस सिस्टम. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन. तो ह्यूमन ब्रेन बेटा, एक तो हमने इनिशियली पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं हमारे इंस्टेंट, जो हम स्टिम्यूलस को रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, वेन सम यू कैन से वेन समथिंग प्रिक्स अस, कुछ चीज हमें चुभती है या वॉट एवर, ऐसी जिसके लिए हम इंस्टेंट एक्शंस देते हैं, तो दोज एक्शंस आर रिफ्लेक्स. दोज एक्शंस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस. एंड दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय आर स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज दीज आर इंस्टेंट एक्शंस, इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज. एंड if these informations are to be sent to brain, so that will take a lot of time. और उस time तक हमारा हाथ शायद burn भी हो जाएगा अगर हम उसी time instantly नहीं हटाएंगे तो. तो that is the reason कि अगर instantly कोई काम करना है तो sometimes those messages are not sent to brain and spinal cord takes instant action against that. Now उसके अलावा कुछ ऐसे काम है जिनके लिए हमें सोचना बहुत जरूरी है, जैसे हमारे थिंकिंग प्रोसेस जो चलता है ब्रेन में, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को मूव करना. आप अपनी मर्जी से, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं जाना, अगर उसके लिए थिंकिंग नहीं होगी, रिफ्लेक्स होगा, तो किसी भी तरफ मतलब बॉडी अपने आप मूव करती रहेगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में वो एक्शंस, वो रिस्पॉन्सेज जो एक थिंकिंग प्रोसेस की वजह से होते हैं. तो दैट ऑल थिंकिंग प्रोसेस इज डन इन आर ब्रेन बेसिकली. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं बायो में, इंटरनल स्ट्रक्चर को. एक्चुअली बायो का ही एक फील्ड है एनाटॉमी, विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. तो हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस इज ह्यूमन ब्रेन, एंड
ह्यूमन ब्रेन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले तो ये कि ह्यूमन ब्रेन हमारा एक स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, एंड दिस स्कल इज नोन एज क्रेनियम. इसीलिए ये क्रेनियम टर्म ब्रेन के लिए यूज हुआ है, तो इसीलिए क्रेनियल नर्व्स कहते हैं जो ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं उसको. ठीक है, अब ये स्कल जो है इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली 22 बोन्स, जिसमें से 14 तो हमारी फेशियल बोन्स है और बाकी 8 जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में है. तो टोटल 22 बोन्स कलेक्टिवली फॉर्म आर स्कल, विच इज नोन एज क्रेनियम. और स्कल के बिलो हमारा जो है वो एक सेमी ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है यहाँ पर इस रीजन में, जो एक कुशन का रोल प्ले करता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके बाद हमारी ये इंटरनल टिश्यू जो है ब्रेन का स्टार्ट होता है. बेसिकली ब्रेन इज मेडअप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर कहते हैं उसको. मेन जो बल्क है हमारा वो ग्रे मैटर है, और उसको कनेक्ट करने का काम बीच बीच में व्हाइट मैटर का है. ठीक है, अब बेसिकली जो आपको करने हुए है ब्रेन के 3 पार्ट्स, दैट अगेन आई एम राइटिंग हियर. वैसे तो डायग्राम में शो हुए हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो आर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फ्रंट पार्ट जो हमारा ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन. मिडल पार्ट जो है क्वाइट स्मॉलर, इट्स कॉल्ड मिड ब्रेन. एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है दैट इज बैक साइड ऑफ द ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ हाइंड ब्रेन. तो दीज आर 3 मेजर पोर्शंस ऑफ ब्रेन. अब देखो जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. पहले मैं नेम लिख रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन. दिस सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. तो फोर ब्रेन इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स. सेरिब्रम जो है ये हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. इफ द राइटिंग पार्ट इज नॉट विजिबल टू यू, लेट मी नो, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन राइटिंग देम, आई विल एक्सप्लेन. इट इज विजिबल. तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, एंड हियर इन द डायग्राम यू कैन सी ये जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस तरह से लोब्स बने हुए. ऑल दीज यहाँ से स्टार्ट करो आप, एंड दिस एंटायर पोर्शन यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली सेरिब्रम. तो दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, एंड दिस इज द पोर्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर थिंकिंग. आपकी जितने इंटेलिजेंस है, आपका जितना थिंकिंग प्रोसेस चलता है, आपकी जो भी चीजें आप सोच समझ के करते हो, दैट ऑल आर यू कैन से स्टोर्ड द मेमोरी जो है आपकी, वो सेरिब्रम के अंदर है. ठीक है, एंड दिस सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 4 लोब्स है उसके. वो लोब्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जब हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी. दीज 4 लोब्स एक्चुअली कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ, मतलब जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज है, लाइक थिंकिंग, इंटेलिजेंस, हियरिंग, सुनना किसी भी चीज को, स्पीच आपकी, बोलते कैसे उसके लिए अलग लोब है आपकी, हियरिंग की जो कुछ भी आपके ईयर्स के थ्रू जो सेंस जाते हैं वो फोर ब्रेन के एक पर्टिकुलर लोब में जाते हैं, जहाँ पे वो इंटरप्रेट होता है पूरा डेटा. एंड जैसे कंप्यूटर में डेटा इंटरप्रेट होता है, ब्रेन हमारा मैसेजेस को इंटरप्रेट करता है और फिर आपको वो चीजें सुनाई देती हैं. तो उसके लिए हियरिंग लोब अलग है, विजुअल जो आपकी साइट को कंट्रोल कर रहा है. तो साइट, टच, हियरिंग एंड स्पीच, ये 4 सेंसेस जो है वो आपके कंट्रोल होते हैं 4 ब्रेन से. और उसके अलावा थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर सेरिब्रम. तो सेरिब्रम अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है. आई विल नेक्स्ट वीक आई विल प्ले अ पीपीटी, उसमें आपको सारे फंक्शंस एवरीथिंग विल बी देयर, क्योंकि आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं है फंक्शन, मेन फंक्शन लिखे हुए. तो अभी आप समझ लो, नेक्स्ट वीक आई विल बी शेयरिंग अ पीपीटी विद यू ऑल, बिकॉज आज तो मैं अभी बुक से ही शेयर कर रही हूँ. ओके, नो नीड टू राइट एनीथिंग, यू जस्ट अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन. ओके, तो दिस 4 ब्रेन इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पोर्शंस. फर्स्ट वन, द लार्जेस्ट वन इज द सेरिब्रम, विच कंट्रोल्स थिंकिंग, इंटेलिजेंस,
and you can say hearing, speech, visual, आपका जो सेंस है, देखते हो आप चीजों को, और टच. All these senses are controlled by your forebrain, cerebrum, part of your forebrain. उसके बाद आता है आपका thalamus portion, second part of forebrain. यहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं है, but it is lying somewhere here. Hypothalamus के ऊपर ही है thalamus. Hypothalamus का मतलब है thalamus के below present है, और here it is thalamus. Okay? तो thalamus जो है बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट, मतलब मेन जो फंक्शन है इसका, कि ये एक तरह से कन्वे करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके फोरब्रेन में, जो सेरिब्रम तक मैसेजेस को कन्वे करने का काम आपका थैलेमस पोर्शन का है. एंड थर्ड पोर्शन जो है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट हियर, मिड ब्रेन से और कनेक्टेड होता है ये थैलेमस और मिड ब्रेन. एक्चुअली मिड ब्रेन इज समवेयर प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. इट कंट्रोल्स आर बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी टेम्परेचर को एक रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का है. ऑल्सो जो आप, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि जब हमें भूख लगती है या जब हमारा पेट भर जाता है, देन हाउ यू वी कम टू नो दैट वी आर फुल और इफ वी आर फीलिंग हंग्री. तो एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट. Sensation of feeling hunger or feeling full is sent by a hormone, or is, you can say, you feel it by a hormone which is generated in hypothalamus. So hypothalamus is the part of brain which controls our hunger or fullness of our stomach. मतलब ये relate, hormones हमें sense करवाते हैं. केमिकल सिक्रीट होता है जब आप पूरा खाना खा लेते हो, तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट दैट हार्मोन व्हिच मेक्स यू फील दैट यू आर फुल नाउ. एंड व्हेन यू आर हंग्री देन आल्सो कम मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय योर हाइपोथैलेमस एंड यू फील दैट यू आर हंग्री. ओके, इसी तरह से स्मेल, आपको किसी चीज का टेस्ट और स्मेल जो आता है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय योर this hypothalamus portion. आपको चीजों की स्मेल आना, टेस्ट आना, ये सब चीजें आपका hypothalamus control कर रहा है. ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई hypothalamus portion. एंड peristalsis movement, ये involuntary actions है अदरवाइज, कि आपकी digestive system, elementary canal जो है हमारा esophagus, उसके अंदर जो muscles का movement है, muscles अपने आप काम नहीं करती, उनको जब तक मैसेज नहीं आएगा ब्रेन से, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड. तो ये मैसेज hypothalamus सेंड करता है peristalsis movement के लिए, अदरवाइज ये involuntary actions है. तो इनवॉलेंट्री एक्शंस आर मेनली जो आपके यहाँ कंट्रोल हो रहे हैं, आपका हार्ट रेट और पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस पोर्शन. आपके इमोशंस का चेंज होना, आपके मूड स्विंग्स होना, ये सब चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है. तो इट इज अ स्मॉल पोर्शन, बट इट कंट्रोल्स ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ योर बॉडी. स्पीच, सॉरी, स्मेल, टेस्ट, इमोशंस, मूड, बॉडी टेम्परेचर, फीलिंग ऑफ हंगर एंड पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट. क्लियर? तो हमारा ये जो देखो फोर ब्रेन में कितने सारे काम हो गए, थिंकिंग चल रही है, इंटेलिजेंस का, आप जितना भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आपका सेरिब्रम पार्ट में चल रहा है. उसके अलावा आपका विजुअलाइजेशन, आपकी हियरिंग, आपको टच का सेंस होना, कोई चीज टच हुई है आपको सेंस पता लग रहा है ना, किसी चीज ने आपको टच किया है, तो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय योर सेरिब्रम पार्ट. इसके लिए अलग अलग लोब्स बने हुए हैं यहाँ पे, मेनली फोर लोब्स आर देयर विच कंट्रोल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. एंड थैलेमस इज बेसिकली अ रीजन ऑफ फोर ब्रेन विच कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेरिब्रम और मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. Hypothalamus is a small portion of forebrain which controls body temperature, emotions, mood, hunger, and other involuntary actions like peristalsis, heart rate, even blood pressure. Bhi yahi control karta hai. Smell and taste is also controlled by your hypothalamus. Forebrain clear ho gaya aapko. Next, I am moving to midbrain. Midbrain actually छोटा सा पोर्शन है ब्रेन के अंदर. दिस गॉट डिसकनेक्टेड इन बिटवीन.
towards midbrain. Midbrain is a small portion present between thymus and hypothalamus of our brain, and basically it controls the action, reflex action of हमारी जो नेक के कुछ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, आई के अंदर कुछ अपने आप मूवमेंट हो जाते हैं, जैसे हमारी आईलिड्स अपने आप झपकती रहती हैं या व्हाटएवर, और कुछ हेड के रिफ्लेक्स एक्शंस, दीज आर कंट्रोल्ड बाय आर मिड ब्रेन. एंड ऑल्सो हमारी एक स्लीप जो है और अटेंशन, सोते हैं जब हम और हमारी अटेंशन जब रहती है किसी काम पे, तो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आर मिड ब्रेन. तो दीज आर दी मेजर फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन. मेनली जो आपको सिलेबस में फंक्शंस है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हाइंड ब्रेन बेटा देखो ये थ्री पोर्शंस में डिवाइडेड है, पॉन्स, मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा भी कहते हैं इसको, अदरवाइज सिंपली मेडुला, एंड दिस पोर्शन, ये जो ब्रांच सा पोर्शन आपको मिल रहा है, दिस इज नोन एज सेरिबेलम. सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आर ब्रेन. फर्स्ट जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, एंड the cerebellum is the largest, second largest portion of our brain, and this is also very important part of brain because it controls all voluntary actions. Voluntary actions kya hai, aap apne limbs jo use kar rahe ho, kuch lifting karne mein, kuch movement hai aapki, running kar rahe ho, walking kar rahe ho, all these voluntary actions are controlled by the cerebellum part of your hind brain. Theek hai, थिंकिंग और ये सेंस से रिलेटेड तो सारा हमारा फोर ब्रेन में हो गया. अब जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ जिसमें हम अपने वॉलेंट्री एक्शंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी वॉलेंट्री मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज सेरिबेलम. आपका पूरा बॉडी पोस्चर, आप जब मूव कर रहे हो आपकी बॉडी इतने अच्छे बैलेंस में रहती है, आप दिखते नहीं, तो दैट बैलेंस इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो बैलेंस है बॉडी का. व्हेनेवर वी परफॉर्म एन एक्टिविटी, आप डांस कर रहे हो, व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर जंपिंग, आप गिरते नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम में, एक बैलेंस में रखता है. वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू लर्न टू, थोड़ा सा आपको साइकिलिंग जब सीखते हो उसके बाद भी आपकी बॉडी एक बैलेंस में आ जाती है, बिकॉज साइकिलिंग एकदम से थोड़ा सा आपको बैलेंस करना सीखना पड़ता है. तो दैट इज बैलेंसिंग का जो मेन फंक्शन है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज कंट्रोल्ड बाई योर ब्रेन, द सेरिबेलम पार्ट ऑफ योर ब्रेन. एंड आपके कुछ आई मूवमेंट का भी कोऑर्डिनेशन, जिस तरफ आपने मूव करना है आपके आईज भी मूवमेंट के साथ साथ, मतलब आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आपके आईज की मूवमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है. तो आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो, मतलब बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन वाला काम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर सेरिबेलम पार्ट, चाहे वो आई कोऑर्डिनेशन है, वेदर इट इज दैट बॉडी कोऑर्डिनेशन. क्लियर? So this is done by cerebellum part, and two or part is my small parts of your hind brain, and medulla is the lowest. आप कह सकते हो कि brain का हमारा lowest portion है, छोटा है size में, and this medulla is actually controlling digestion of food. आपकी body में जो digestive system है, उसमें जो digestion चल रहा है muscles की help से, that is controlled by medulla. And the last portion, जो आपका ये pons of hind brain, it controls the very important function of involuntary action, that is respiration. आपकी जो respiratory muscles काम कर रही हैं, respiration को control करने का respiratory एक cycle है, breathing cycle, that is all controlled by this pons of hind brain. And sleep cycle, आपको इतने घंटे बाद ही सोना है, एक ये नहीं कि सारा दिन सोते रहोगे या सारा टाइम जागते रहोगे, एक साइकिल है ना फिक्स्ड. तो स्लीप साइकिल, स्लीप पैटर्न इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय
पॉन्स. तो ये मैंने आज इम्पोर्टेंट फंक्शंस आपको बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड तो बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पर सिचुएटेड होती है वो ब्रेन के लोअर पोर्शन में एंड इट कंट्रोल्स बेसिकली ग्रोथ और बाकी के जो हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी में, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स. ग्लैंड्स की अभी बाद में आएगा टॉपिक चैप्टर में, अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं. तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थ्री पोर्शंस ऑफ ब्रेन. फोर ब्रेन इज द मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन. थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर टू स्मॉल पोर्शंस ऑफ योर फोर ब्रेन. मिड ब्रेन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, बट वो अभी आपको सिलेबस में नहीं है. मिड ब्रेन के ज्यादा फंक्शंस भी नहीं है इंपॉर्टेंट इतने. मेन जो है आपको फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के फंक्शंस करने हैं. हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल वॉलेंट्री एक्शंस एंड बैलेंस ऑफ योर बॉडी. आप कोई भी काम कर रहे हो उस टाइम पे आपकी बॉडी को बैलेंस में रखने का काम सेरिबेलम का है. और इसमें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस है और इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है. सेरिब्रम बेटा आपका मेजर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड आपकी इंटेलिजेंस लेवल है, या फिर आपके सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन्स है आपके ईयर, आपका आईज और आपका स्किन, वो सब इससे टच, हियरिंग एंड विजुअलाइजेशन इज ड्यू टू द सेरिब्रम पोर्शन. और हाइपोथैलेमस से आपके बाकी सेंस ऑर्गन्स लाइक आपका नोज और स्मेल एंड टेस्ट, टंग जो है, ये दो सेंसेस आपको हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहे हैं. उसके अलावा जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, सम इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, सम आर कंट्रोल्ड बाय पॉन्स एंड मेडुला एज वेल. और रिफ्लेक्स एक्शन हमारे नेक, आई और हेड के मिड ब्रेन जनरली कंट्रोल करता है. मतलब जो ब्रेन के थ्रू रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल हो रहे हैं वो मिड ब्रेन के थ्रू होते हैं. And cerebellum is the main portion which control all voluntary actions and balance of our body. ठीक है, medulla आपके digestive system के अंदर होने वाले movements को control कर रहा है, digestive muscles को. Pons is controlling our respiratory movements. Clear? तो ये brief introduction है brain का. And next week we'll discuss with the help of slide. तो थोड़ा सा